खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन हमेशा प्रोत्साहित करते रहेंगे, खेल मंत्री जीतू पटवारी। मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय जूनियर तथा सब जूनियर कायाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप में धमाकेदार आगाज। भारत के 20 राज्यों से सम्मिलित हुए प्रतिभागियों ने भाग लिया एवं मध्य प्रदेश खेल मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम को शुरू किया एवं स्वयं नाव में बैठ के खेल का जायजा लिया। खेल मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इस खेल में ज़्यादातर मध्यवर्गीय लोग भाग लेते हैं, जिसके चलते इनका प्रोत्साहन बढ़ाया जाए और उनको खेलों में परेशानी दिक्कतों को खत्म करने के लिए जो भी सरकार से हो सकेगा मदद की जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन बोट क्लब भोपाल पर किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे एवं बाहर से आए खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया गया। जीतू पटवारी ने सभा को संबोधित किया तथा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए मुख्य अतिथि का खिलाड़ी एवं कोच ने पुष्पगुच्छ से सम्मान किया। भोपाल की छोटी लेक पर परिवार का एक बड़ा आयोजन हमारे खेल मध्य प्रदेश खेल के भाव को जीता हुआ मुझे ओपन करने का अवसर मिला। मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश देश में नंबर वन आए और इसमें वाटर्स से जुड़े हुए, पानी से जुड़े हुए जो भोपाल में हमारी एकेडमी से हमारे संघ है, इस भाव के उन्होंने अपने नए आयाम पैदा किए हैं। शासन खुले मन से इनके सहयोग के लिए हमेशा कटिबद्ध है। ऐसा ही मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ या महेश्वर हुआ, उसमें भी एकेडमी जैसी तैयार करने की बात हुई है। सहयोगात्मक रवैये के साथ मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सारे वाटर्स से खेल से वो जुड़े हुए जितनी बातें हैं हम पॉजिटिविटी से नंबर वन आने का प्रयास करेंगे। सहयोगात्मक रवैये के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा इन बातों के लिए तैयार हैं। संवाददाता शक्ति भारती, भोपाल। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।